प्रिय विद्यार्थियों, विलयन का भाग चल रहा है। आदर्श विलयन क्या है उसकी व्याख्या लास्ट वीडियो में की थी, उस पर कुछ आंकिक प्रश्न तथा इसके बाद में अनादर्श विलयन की व्याख्या करेंगे। कल समझाया था आदर्श विलयन वह है जो समस्त टेम्परेचर और कंसंट्रेशन सांद्रताओं पर राउल के नियम का पालन करता हो, और राउल के नियम को अपन पढ़ चुके हैं। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, देयरफॉर पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी या पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एक आंकिक प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन एक सौ 38 ग्राम एथिल अल्कोहल को 64 ग्राम मेथिल अल्कोहल में मिश्रित करके एक विलयन बनाया गया। यदि शुद्ध मेथिल अल्कोहल का निश्चित ताप पर वाष्प दाब 100 टोर तथा एथिल अल्कोहल का निश्चित ताप पर वाष्प दाब 50 टोर हो तो विलयन में एथिल अल्कोहल व मेथिल अल्कोहल के आंशिक दाब क्या क्या होंगे। साथ ही विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा। इसके लिए पहले दोनों की ग्रामों में मात्रा में अणुभार का भाग देकर के उनके मोल्स निकालेंगे। दोनों के मोल्स को जोड़कर कुल मोल्स होगा, और जिसका मोल भिन्न निकालना है उसके मोल अपन कुल मोल करके दोनों की मोल भिन्न निकालेंगे। मेथिल अल्कोहल के मोल्स बराबर 64/32, मेथिल अल्कोहल का अणुभार 32 है तो ये 2 मोल्स आए। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल के मोल्स 138 ग्राम में इसका अणुभार 46 है का भाग देने पर 3 मोल आएंगे, अतः
कुल मोल्स बराबर 2 + 3 = 5। अगर एथिल अल्कोहल को बी मान लिया जाए और मेथिल अल्कोहल को ए मान लिया जाए तो एक्स ए यानी मेथिल अल्कोहल की मोल भिन्न बराबर मेथिल अल्कोहल के मोल्स अपॉन कुल मोल्स 5 × 20.4। एक्स बी एथिल अल्कोहल के कुल मोल्स अपॉन विलयन के कुल मोल्स 56.30। ये इनके मोल भिन्न आ गए। अब इस सूत्र को लगा करके पीए बराबर पी नॉट ए एथिल मेथिल अल्कोहल का वाष्प दाब है 100 टोर इंटू इसकी मोल भिन्न है 0.4 तो ये आया 40 टोर। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब दिया हुआ है शुद्ध अवस्था में 50 टोर इसकी मोल भिन्न है 0.6 तो यह 56.30 पी ए मेथिल अल्कोहल के 100 टोर हैं एथिल अल्कोहल के 50 हैं तो यह आपका आ गया कुल 30 टोर। यहां विलयन का कुल वाष्प दाब पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी बराबर 40 + 30 = 70 टोर। ऐसे कोई भी प्रश्न दिया हुआ हो तो उसमें उनकी मोल भिन्न दी हुई है तो सीधा निकाल सकते हैं, नहीं तो मोल भिन्न निकालनी होगी। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया हुआ होगा यानी 1, 2, 3, 4 और 5 राशियों में से कोई एक अज्ञात हो तो उसे परिकलित किया जा सकता है। यहां एक और अतिरिक्त भाग समझाने जा रहा हूं। मोल भिन्न विलयन के लिए पड़ी है मगर यहां अपन वाष्प अवस्था में भी मोल भिन्न की व्याख्या कर सकते हैं। कैसे? जैसे इसी प्रश्न में अगर मैं आपसे ये पूछता कि भाई वाष्प अवस्था में मेथिल अल्कोहल की मोल भिन्न क्या होगी तो इसके लिए पहले आपको सूत्र आना चाहिए। वाष्प अवस्था में मोल भिन्न ज्ञात करना। यदि घटक ए की वाष्प अवस्था में मोल भिन्न को मैं वाई ए से व्यक्त करता हूं तो यहां ए का आंशिक लाभ अपॉन विलयन का कुल दाब यहां आंशिक वाष्प दाब पीए है और ये पी टोटल है तो इस सूत्र से अपन दोनों के वाष्प अवस्था में मोल भिन्न की व्याख्या कर सकते हैं। वाई बी बराबर बी का आंशिक वाष्प दाब अपॉन विलयन का कुल वाष्प दाब अर्थात पी बी अपॉन पी टोटल। ये वाष्प अवस्था में मोल भिन्न की सूत्र है। जैसे इस प्रश्न में अगर देखें तो ए अपन ने मेथिल अल्कोहल को माना था तो मेथिल अल्कोहल का कितना आया 40 टोर
और कुल आया आपका 70। तो ये जो भी मान आएगा यह इसकी वास्तव अवस्था में मूल भिन्न कहलाएगी। इसी प्रकार इसमें 30 एथिल अल्कोहल का आंशिक वाष्प दाब 30 टोर और कुल दाब है वाष्प दाब 70 टोर, तो 30 बटा 70 ये जो भी मान आएगा वह इसका वाष्प दाब होगा। जैसे इसको सॉल्व करके देखें तो 5714 और इसको एक में से घटा दें तो भी मान आ जाएगा, और अगर एक्चुअली आपने कैलकुलेट किया है तो 4286 ये आपका आंशिक दाब या वाष्प दाब, विलयन का कुल दाब या कुल वाष्प दाब, इनकी सहायता से वाष्प अवस्था में मूल भिन्न की व्याख्या की जा सकती है। पुराने समय में आईआईटी में नीट तो समय थी नहीं, सीपीएमटी या एआईपीएमटी, उनमें ऐसे प्रश्न कई बार पूछे हुए हैं।